कोरोना की दूसरी लहर ने जहां देश भर में कोहराम मचा रखा है, उसी के चलते जो राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ये जो दूसरा चरण जो लगाया है, आज दूसरी बार जो लॉकडाउन लगाया है उसका आज दूसरा दिन है, उसको लेकर के जो बांदीकुई प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, सख्ती यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आज बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा और जो बांदीकुई थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा है, इनके नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है। सुबह करीब 6:30 बजे से फ्लैग मार्च शुरू किया गया, जो शहर की तमाम सड़कों से होते हुए मार्केट से गुजरा और अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा है। जहां बात की जाए पंचमुखी ले लो, नंदेरा ले लो, नंदेरा के बाद बड़ियाल, बड़ियाल के बाद बद्री का मोड़, बद्री के मोड़ के बाद अब दिवाई पहुँचा है, जहाँ प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती है, लोगों को समझाइश यहाँ पे की है और जो बाजार, जो लोग बाजारों में जो दुकानें लोग खोल करके बैठे हैं उनको समझाइश की है कि जो कोरोना है वो काफ़ी विकट परिस्थितियों में है, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा जो हमारे बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की यहाँ पे जो लोगों से समझाइश की जा रही है, किस तरीके की सख्तियाँ बरती जा रही है, जो राजस्थान सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी की है उसके तहत किस तरीके से प्रशासन अब कार्रवाइयों को अमल में ला रहा है। आज वीकेंड कर्फ्यू था, शनिवार रविवार को जैसे कि गाइडलाइन है वीकेंड कर्फ्यू रहता है पिछले दो बार से, तो वीकेंड कर्फ्यू के दिन सारी दुकानें बंद रहती हैं, सब्जी और फ्रूट्स की दुकानों को छोड़ के, दो दो डेयरी की दुकानों को छोड़ के। तो हमने सब जगह फ्लैग मार्च निकाला है और ये देखा है कि जो कोरोना गाइडलाइन की पालना कितनी हो रही है, गाँव में भी कितनी हो रही है। तो निकालने के बाद और जिन लोगों ने गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे उनको हमने समझाया है, उनको अंदर भेजा है, दुकानों को बंद कराया है और आगे से हम और ज़्यादा सख्ती बरतेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था गाँव में। अगर आगे कोई दुकान खोलता है गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तब उनके खिलाफ सीएच की कार्रवाई और एफआईआर जैसी कार्रवाई करेंगे और सख्त रुख अपनाएंगे। ये थे मेरे साथ बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा। कहना है साफ, दो टुकड़ों में इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब आगे चल करके कोई किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और अब जो लोग इस गाइडलाइन की अवमानना करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बात करना चाहूँगा, मौजूद है हमारे बीच में बांदीकुई थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा, आपका क्या कहना है सर इस गाइडलाइन को लेकर के, जिस तरीके से लोगों को आपने समझाइश की, आज फ्लैग मार्च भी निकाला, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही निर्देश देना चाहेंगे कि अगर अनवाजिब आप घूमते मिले तो व्हीकल्स आप एमबी एक्ट के तहत सीज किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह इनकी पालना नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कालाबाजारी के लिए किसी भी व्यापारी को पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त FIR करके कार्रवाई की जाएगी। मैं जो बांदीकुई उपखंड अधिकारी हैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर आप गांव में भी पहुँचे हैं, शहर में भी आपने काफ़ी सख्ती बढ़ाई है, लेकिन अभी भी मैं प्रशासन का गौर करना चाहूँगा, जो बांदीकुई अस्पताल है वहाँ पे कोरोना की जांच भी बराबर चल रही है, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई सोशल डिस्टेंस की वहाँ पे पालना की जा रही है, ना किसी तरीके की वहाँ पे कोई सुविधा है, लोग धूप में वहाँ खड़े रहते हैं और जो जांच की जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम है। तो जो हॉस्पिटल में जो तमाम जो अव्यवस्थाएँ हो रही हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सैंपलिंग का बात है, ये पहले बात आई थी कि सैंपलिंग के समय भीड़ हो रही है, तो हमने इसके लिए घोड़ा रोड पे जो सिंचाई वहाँ का गेस्ट हाउस है उसको एक्वायर किया है और हम सैंपलिंग आगे से वहीं करवाए स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम सिकंदरा रोड पे भी एक जगह एक्वायर कर रहे हैं जहाँ सैंपलिंग जो है बाहर की बाहर हो जाए और हॉस्पिटल में भीड़ नहीं बढ़े। और वैसे हम यहाँ तक बात है, मैं खुद एक बार इंस्पेक्शन और करूँगा, क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और OPD भी काफ़ी रहती है और क्योंकि जगह छोटी इसलिए भीड़ वहाँ हो जाती है। तो जो इंचार्ज है CSC के उनसे मैं कहूँगा कि और ज़्यादा सख्ती बरतें हैं और जो कोरोना गाइडलाइन उनकी पालना कराएं हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं सर जो भीड़ वहाँ पे रहती है, लोगों की जाँचें कम होती है, लोगों को वेट करना पड़ता है, दो दो तीन तीन घंटे का वेट करना पड़ता है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहाँ पे नहीं हो पाती, लोगों को समय भी काफ़ी लग जाता है, तो किस तरीके से अब आप इन सारी चीज़ों की जो अव्यवस्थाएँ हो रही है उनको व्यवस्थाओं में तब्दील करेंगे? सैंपलिंग का जैसे मैंने बताया, सैंपलिंग हम दो जगह नई स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में बंद करके, ताकि भीड़ वहाँ पे कम हो जाएगी और जहाँ पे हम व्यवस्था करेंगे वहाँ पे छाया की पूरी व्यवस्था रहेगी, ताकि लोगों को जो है धूप में खड़ा नहीं करना पड़े और वेट नहीं करना पड़े, हम टीम बढ़ा देंगे और ज़्यादा। ये थे बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा। कहना है कि जो तमाम जो अव्यवस्थाएँ वहाँ पे देखने को मिल रही है, मैं पहले भी वहाँ पे जाकर के निरीक्षण कर चुका हूँ और एक बार फिर से मैं वहाँ पे विजिट करूँगा और देखूंगा किस तरीके की वहाँ पे अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने के लिए मैं जो संबंधित जो BCMHO है और जो वहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनको मैं निर्देशित करूंगा और कहीं ना कहीं जो व्यापक व्यवस्था है वो करके जो बंदोबस्त किया जाएगा उससे सारी जो अव्यवस्थाएं उनको व्यवस्थाओं में तब्दील किया जाएगा। मैं कैमरा पर्सन के साथ राजकुमार चतुर्वेदी A1 TV बांदीकुई।